नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लगातार ज्योति मौर्या मामले में जो अहम खुलासे हो रहे हैं उसको सुनने के बाद अब किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, ये तमाम बातें जो हैं वो अब कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें, जो अभी तक की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ज्योति मौर्या के मामले में जो अपर अधिकारी थे यूपी के बरेली में पीसीएस अधिकारी के तौर पर तैनात ज्योति मौर्या पर अब एक्शन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां पर यूपी सरकार ने भी अब ज्योति मौर्या के खिलाफ तमाम जो जांच है उसको तेज करने की जो बात है वो कर दी है। यहां पर ज्योति मौर्या के खिलाफ अब जो जांच है उसके आदेश दिए जा चुके हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आरोप आलोक मौर्या पर लगाया जा रहा है वो ये है कि ज्योति मौर्या लगातार आलोक मौर्या पर आरोप लगा रही हैं कि आलोक मौर्या दबाव बना रही हैं कि वो उनके साथ समझौता कर ले और इसके लिए 50 लाख रुपए का यहाँ पर जो तमाम बातें हैं वो की जा रही हैं कि 50 लाख रुपए देने के बाद जो समझौता है वो हो जाएगा, ज्योति मौर्या का जो तमाम केस है वो हट जाएगा। यहाँ आलोक मौर्या 50 लाख रुपए मांग कर रहे हैं ज्योति मौर्या से ताकि वो जो केस है उसे बंद कर दिया जाए, ये आरोप जो है वो ज्योति मौर्या लगाते हुए नजर आ रही है। एक और जहां उनको आदेश दे दिए गए उनके खिलाफ जांच करने के, तो वहीं ज्योति मौर्या का ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं आलोक मौर्या को फंसा सकता है। इसी बीच में आपको बता दें कि मनीष दुबे पर भी आरोप लगे थे, तो वहीं मनीष दुबे के खिलाफ जितनी भी जांच होनी थी वो जांच हो चुकी है, हालांकि अभी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है कि जांच में क्या पता लगा। इसी बीच में जो आरोप लगाए गए थे ज्योति मौर्या पर, जो फाइलों की काफी ज्यादा गड़बड़ी का आरोप था, भ्रष्टाचार का आरोप था, खुद पति आलोक मौर्या ने आरोप लगाए थे, उसके खिलाफ ये जांच होने वाली है। अब देखना ये है कि इस जांच में क्या निकल करके सामने आता है, और जैसा कि हमने कहा कि आलोक मौर्या 50 लाख रुपए कि क्या सच में मांग कर रहे हैं जो कि आरोप ज्योति मौर्या ने लगाए हैं। अगर ऐसा है तो यकीनन आलोक मौर्या की मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर सबूत आलोक मौर्या की ओर से जाएंगे तो कुछ सबूत जो है वो ज्योति मौर्या की ओर से भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो आलोक मौर्या के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।